चैप्टर आज बम्पर हो गया था कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार बम्पर का हम क्लिप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि अपन निकले हैं अमन भाई के साथ। अमन भाई कैसा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा है? अभी तो ट्रैफिक में धक्का मारते मारते आया है, चलाने का जगह भी नहीं मिला है। सुपर कार पे तो फाइनली ये गाड़ी हो गया एकदम 110% कंप्लीट। 10% नहीं बोलेंगे क्योंकि फिटिंग अभी लगाना बाकी है। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली रियली गुड। ओह माय गॉड, तो सुबह सुबह इस ब्लॉग को कंटिन्यू करने का ये मतलब है कि भाई अर्जेंसी में कहीं पे जा रहे, ऑफिस के लिए तो निकले थे, ऑफिस का काम भी बहुत सारा हो गया, बीच में एक तो 5 मिनट का गैप मिला है लेकिन उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करने के लिए जा रहे हैं। और ये ब्लॉग आगे का बांग्ला में कंटिन्यू होने वाला है क्योंकि आज हम जो जिससे मिलने वाले हैं वो अपने बंगाली यूट्यूब कम्युनिटी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। গাড়িটাকে চিনতে পারছো কিনা এই ব্রেজাটাকে? হ্যাঁ ভাই, আপনার স্টুডিও মে আর तो यहाँ पे कल रात बम्पर हो गया था कंप्लीट, लेकिन यहाँ पे फिर एक बार बम्पर का हम क्लिप इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि देखिए क्वालिटी मैटर सबसे अच्छा करता है। पहली बार जब हम लगाए थे तो यहाँ पे कट आ गया था, ठीक से बैठ नहीं रहा था, तो हम क्या क्या पूरा उतार दिया। चलो कोई नहीं, फिर से हम डालेंगे, तो फिर से इसमें री एप्लीकेशन हो रहा है। इसको जब तक सही से ना हम बिठा नहीं लेते तो काम चलेगा भाई। बाकी पूरा गाड़ी हो गया है कंप्लीट, यहाँ पे डिक्की में भी हो गया है काम, ये खाली टकिन करना अपना बाकी है। बाकी पूरा गाड़ी टकिन भी कंप्लीट हो चुका है, इसके बाद इसको वाइप करेंगे और रेडी टू बी डिलीवर्ड। और अपने पास अमन भाई भी आए हैं। अमन भाई कैसे हो? तो चल रहा है भाई ठीक ठाक, ये देख ही सकते हो रेड हॉट आ गया अपने दुकान पे। इसको पूरा खोल दिया, इसका मालिक देखेगा तो हार्ट अटैक कर जाएगा। नया गाड़ी शोरूम से निकाल के ऐसे खोल दिया है, लेकिन कोई नहीं भाई, हमारे पास गाड़ी सेफ रहता है। BMW हो, मर्सिडीज हो, ऑडी हो, जो भी हो ऐसे ही खुलता है। ऐसे अगर नहीं खुलेंगे तो टकिन प्रॉपर्ली नहीं होगा, टकिन प्रॉपर्ली नहीं होगा तो इसमें आपका फिनिशिंग का इशू आ जाएगा, तो वो काम हम नहीं करते। अपना ऑडी लेके अपन निकल रहे हैं अमन भाई के साथ टेस्ट ड्राइव पे। तो फाइनली अपन निकले हैं अमन भाई के साथ। अमन भाई कैसा लग रहा है अभी तक का एक्सपीरियंस, कैसा है? अभी तो ट्रैफिक में धक्का मारते मारते आया है, चलाने का जगह भी नहीं मिला है। सुपर कार पे वो भी यूनिक वाला। अभी इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, सी तक जाएंगे, उसी में देखते हैं कितना मजा आता है। एक्साइटेड? बहुत ज्यादा। छोटू मिस कर दिया डी। ये गाड़ी का काम ऑलमोस्ट हो चुका है खत्म, हर एक पैनल पे लग चुका है अपना PPF, और अभी साइड से कटिंग करके टकिन का प्रोसेस चल रहा है। तो जितना अच्छे से टकिन करेगा उतना अच्छे से उसको लास्ट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा एकदम फिनिशिंग कंप्लीट है। और अपन अमन भाई के साथ पूरा दिन शूट किए, बहुत मजा किए भाई। ये तो चलता ही रहेगा, चलो एग्जैक्टली वो रेयर चीज़ है। तो हाँ, इसका भी फोटो अपलोड हो गया जल्दी, हम लोग कुछ नहीं किए, ये पहले अपलोड कर दिया। एक्साइटमेंट देखो, कंट्रोल नहीं होता। तो फाइनली ये गाड़ी हो गया एकदम 110% कंप्लीट। 10% नहीं बोलेंगे क्योंकि फिटिंग अभी लगाना बाकी है, हैंडल बाकी है, डोर वाइजर बाकी है, बम्पर बाकी है, थोड़ा छोटा मोटा चीज़ बाकी है। और अभी आज के लिए काफ़ी है, आज के लिए बंद कर रहे हैं। यहाँ पे आया है एक और मर्सिडीज़ जिस पे हम लोग करेंगे सिरेमिक कोटिंग, ये पॉलिश वॉलिश होगा उसके बाद सिरेमिक कोटिंग होगा। एंड बाहर में दिखा देते हैं, बाहर में है अपना ये स्पार्क और अपना, हाँ ये सुपर नैनो, ये सब है। और आज के लिए भाई इतना ही काफ़ी है, बहुत हो गया है टायर्ड। अभी जाएंगे सीधा गाया को पिकअप करेंगे उसके मम्मी के घर से, एंड सीधा जाएंगे घर क्योंकि जाके लेना है रेस्ट। कल बहुत रात तक हम जागे थे एंड उसकी वजह से अभी नींद आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो आज अगर नहीं सोए तो कल पूरा दिन बेकार।